हर घर तिरंगा। आपके विधायक, ये सारी चीजें तो हमने खूब सुनी है चुनाव में, लेकिन आज आपको मंच पे मौका मिला है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, मोदी जी योगी जी के नाम पे जहुआ भर के वोट मिला है, लेकिन आपकी विधानसभा के लिए, आपकी अपनी पहचान के लिए क्या क्या हो रहा है? देखिए, एक विधायक की जो भूमिका मुझे लगती है जी, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, मोदी जी योगी जी की जो रीति नीति है, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यदि हमें चिकित्सा की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड है, विधायक का क्या काम है कि जो लोग उसको जाने कैसे बनवाना है। आपकी विधानसभा का क्या? मैं भित्री विधानसभा को रिप्रेजेंट करता हूँ जी। तो आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, तो जो लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने उनको बनवाना है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, कोई व्यक्ति हार्ट की सर्जरी करा सकता था गरीब आदमी, कोई बाईपास सर्जरी करा सकता था, स्टेंट डलवा सकता था, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करा सकता था। ये मोदी जी योगी जी का युग है कि वो ऐसी बीमारियों से जिसके बारे में वो कल्पना ही नहीं कर सकता था कि वो फाइव स्टार जैसे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ कैसे जाएगा, अब वो 5 लाख रुपए तक का इलाज करा पाए। तो आपको ये योजनाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब आप बारीकी से देख रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपके विधानसभा में तो बहुत ही कम होनी चाहिए ऐसा लगता है। निश्चित ही, और जो हमारे पीएस सबका आयुष्मान एकदम ठीक ठीक काम कर रहा है, बिल्कुल उनको आयुष्मान से जितनी भी सुविधाएं मिली है उनकी बिल्कुल। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है, आप जागरूक है तो उसका लाभ जनता को मिले। कुंवर साहब, आपको क्या लगता है? मुझे तो अच्छा ही लगता है सब। और जैसे आपने अभी सारे लोगों से कहा कि झौवा भर के वोट दिए जी, मुझको भी सब लोगों ने दिए। मैं लोकल बॉडीज से जीता हूँ जी, और मेरे कार्य क्षेत्र में रामपुर और बरेली ये 2 जिले आते हैं। ठीक है, 14 विधानसभाएं आती हैं। ठीक है, और प्रधान और क्षेत्र पंचायत समिति के जो अध्यक्ष सदस्य हैं और नगर पालिका टाउन एरिया के जो चेयरमैन हैं, पार्षद हैं, इन सब लोगों ने, जिला पंचायत के सदस्य हैं, ये लोग हमारे मतदाता हैं। ठीक है, और ये सब लोग मिलने आते हैं जहाँ कहीं भी कोई समस्या तो मतलब होती है। मिलनसार है, कम से कम आपसे मिलने वालों को लंबी लाइन इंतजार नहीं करना पड़ता है। आइए अब शहजील इस्लाम जी का रुख करते हैं, कैसे हैं आप और कहाँ थे आप? मैं तो बरेली में हूँ, बरेली में हैं आप, पहले इस बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक हूँ, सही है सब कुछ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर? पार्टी के भीतर भी सही है, बाहर भी सही है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा कम लग रहा है, रुक के आप बता रहे हैं कि पार्टी के भीतर कुछ ठीक है। नहीं नहीं, सही है, सही है, बड़ी सही है जी। और इतने दिनों तक बताइए, इतने लोगों की नजर में तो सितम भी कह सकते हैं कि पेट्रोल पंप और तमाम चीजें, आपने कुछ भी नहीं कहा, एकदम चुप थे। अब हम लोग यहाँ पर महापंचायत के लिए बैठे हुए हैं, विकास के लिए बैठे हुए हैं, अगर मुद्दा अगर यही रहेगा तो बढ़िया रहेगा हमारे। नहीं 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 नहीं, मुद्दा ये नहीं, इसीलिए मैंने पूछा कि आप कैसे, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में हर एक सजग प्रहरी और उसकी मजबूती भी बहुत मैटर करती है। अगर आप अपनी जगह पर स्ट्रांग हैं तो वो चीजें दिखेंगी। अब आप आएंगे अताहुर जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, देखिए आपकी जो विधानसभा लगती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, और इसके अलावा एक फूड पार्क की योजना को लेकर भी आप बहुत कोशिश में थे, प्रयासरत थे, उसे लेकर के कितनी बातें आगे बढ़ी आपकी? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बरेली को आपने चुना इस महापंचायत के लिए। मैं 2002, 2012 और 2022 में विधायक तीसरी बार बना हूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारे यहां पर चीनी मिल पर लीज पर जमीन थी 328 एकड़। ठीक है, हमने उन्हें बताया और उन्होंने हमें मेगा फूड पार्क का ये प्रोजेक्ट दिया। ठीक है, उसके बाद सरकार चली गई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 6ठा साल शुरू हो रहा है, लेकिन अखबारों में तो पढ़ते हैं कि अधिकारी गए, अब 2 महीने बाद शुरू होगा, 4 महीने बाद शुरू होगा, लेकिन 6 साल में आज तक एक ईंट भी नहीं लगी है जो रोड पहले उस वक्त में बना। क्यों? आप तो कह रहे विकास की गंगा बह रही है, ऐसे कैसे? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।